हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे बिना देरी के, जहां पर बताएंगे कराची का जिन्ना हवाई अड्डा अज्ञात लोगों द्वारा अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद बिजली गुल होने के कारण अंधेरे में डूब गया, जिसके बाद दोस्तों सदमे में आ गया पाकिस्तान, क्योंकि उसी दिन 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने महान भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत आए ओमान के सुल्तान, टेंशन में आ गया चीन पाकिस्तान, जी हाँ पीएम मोदी के हैथम बिन तालिक से हुई बातचीत। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जमीन का एक इंच भी नहीं देंगे, सेना की ढाल है, हम बताएंगे किसने ये बात कही है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत को विशेष चिंता वाले देश में नामित करने की सिफारिश की है अमेरिका के आयोग ने, लगाए हैं गंभीर आरोप। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर वन सेना और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कराची का जिन्ना हवाई अड्डा अचानक अज्ञात लोगों द्वारा शॉर्ट सर्किट के बाद हुई बिजली गुल के कारण अंधेरे में डूब गया, जिसके बाद में आ गया पाकिस्तान, क्योंकि इस दिन 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने महान भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जो ये दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे में बड़े पैमाने पर व्यवधान के बाद पाकिस्तान नए संकट में है। बता दे, पाकिस्तान के कराची स्थित जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा। शॉर्ट सर्किट के कारण गुरुवार शाम को अचानक एयरपोर्ट की बिजली चली गई, जिसके चलते एयरपोर्ट के कई हिस्सों में रात भर में ही अंधेरा छाया रहा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के प्रवक्ता के मुताबिक शाम 5 बजे पावर टनल बेसमेंट टर्मिनल बिल्डिंग के पास शॉर्ट सर्किट हुआ, इससे एयरपोर्ट पर बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होते एयरपोर्ट के कर्मचारी बिजली बहाल करने के लिए जुट गए। करीब 5 घंटे बाद बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकी और तब तक दोस्तों 26 फ्लाइट भी कैंसिल करनी पड़ गई। अब ऐसे में पाकिस्तान इस पर किसी की बड़ी चाल बता रहा था, उसको लग रहा था कि आज के दिन ही पाकिस्तानी सैनिकों ने महान भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और शायद उसी दिन को याद दिलाने के लिए किसी ने ऐसी जरूरत की हो। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ देता है, लेकिन जो भी हो, आखिर डर का माहौल दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां भारत आए ओमान के सुल्तान, टेंशन में चीन पाकिस्तान, आखिर पीएम मोदी की हैथम बिन तालिक से क्या क्या हुई बात। बता दे, मिडल ईस्ट देश ओमान के सुल्तान अपनी राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। ओमान के सुल्तान के रूप में भारत की उनकी पहली यात्रा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने उनका भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक ने शनिवार को लगभग 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए एक दृष्टि पत्र तैयार किया और अपनी सार्थक बातचीत के दौरान जल्द से जल्द एक व्यापार समझौते को संपन्न करने पर जोर दिया। मोदी और तारिक ने हमास इजराइल संघर्ष से उत्पन्न स्थिति और आतंकवाद की चुनौती के अलावा आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में फलस्तीन मुद्दे पर दो राष्ट्र समाधान के प्रयास को लेकर भी चर्चा की। दरअसल प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मोदी और तारिक के बीच हुई चर्चा को व्यापक और रचनात्मक बताया। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से ओमान के सुल्तान भारत आए हैं, ऐसे में चीन पाकिस्तान वाकई में टेंशन में चला गया होगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर जमीन का एक इंच भी नहीं देंगे, तुमको सेना की ढाल है, हम बता दे भारत चीन सीमा पर बसे प्रथम गांव बोले तो काहो गांव किबूतू और मेशाई के लोग चीन से नहीं डरते, यहां के लोगों का जज्बा और हौसला साथ है, वे आसमान पर है। इन गांवों में किसी उम्र का रहने वाला हो, सभी का यही कहना है कि ये 1962 का भारत नहीं है, हर कोई दुश्मन देश से दो दो हाथ करने को तैयार है। यहाँ के लोग कहते हैं कि चीन को समझना चाहिए कि भले ही हमारा चेहरा चीन के लोगों के साथ मिलता हो, लेकिन हमें भारतीय होने पर गर्व है। अरुणाचल प्रदेश के इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसी वर्ष अप्रैल में किया था। प्रथम गांव काहो के बुजुर्ग खेती मियोर कहते हैं, किसी बात का डर, हमारी सेना हमारे साथ है, पहले हालात और थे और आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम सेना के जवानों से आगे आगे चलेंगे, हम सेना का गोला बारूद लेकर आगे आगे चलेंगे। चीन को समझ आ जानी चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। अगर उसके मन में किसी तरह की गलत फहमी है तो उसे दिल से निकाल देना चाहिए। अब चीन की हिम्मत नहीं कि वो हमारी ओर आंख भी उठाकर देख ले। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी चाहते कि यही जज्बा पूरे भारतीयों का होना चाहिए, भारत के एक एक नागरिकों में होना चाहिए, तो
हम में जज्बा है, ये बात कमेंट में अवश्य लिखिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां काफिर पश्चिम के खिलाफ शुरू करो जिहाद। जी हां, इजराइल हमास युद्ध के बीच चरमपंथी मौलवी ने मुस्लिमों को भड़काया। जी हां, अमेरिका स्थित एक चरमपंथी मौलवी जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लंदन आतंकवादी हमले को उकसाया था, उसने अमेरिकी मुसलमानों से काफिर पश्चिम के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उसने फलस्तीन में नरसंहार के लिए बूढ़े फिरौन राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी ठहराया है। अमेरिकी राज्य मिशिगन के कट्टरपंथी इस्लामवादी उपदेशक 51 वर्षीय अहमद मूसा जिब्रिल को वीडियो में मुस्लिम अमेरिकियों से अमेरिकी ज़ायोनी इस्लाम के नरम संस्करण से दूर होने के लिए कहते हुए देखा जाता है, जो जिहाद के विचार को खारिज करता है। द न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई एक क्लिप में जिब्रिल के हवाले से कहा गया कि हाँ, इस्लाम में पवित्र युद्ध के बारे में कहा गया है, ये जिहाद है। अमेरिकी मौलाना ने मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा कि ये पश्चिम में पले बढ़े कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, खासकर उनके लिए जो 9/11 के बाद पैदा हुए या बड़े हुए, क्योंकि पाखंडियों की संख्या बढ़ रही है जो अमेरिकी ज़ायोनी इस्लाम फैला रहे हैं, और इसका असली इस्लाम के साथ संबंध रखने के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम का वो संस्करण है, वो एडिशन है जो इस्लाम के दुश्मनों के अनुकूल है। जी हाँ, अब ऐसे में अमेरिकी मौलाना की ये धमकी कहीं ना कहीं सिर्फ पश्चिम तक ही नहीं रुकने वाली दोस्तों, ये और इसकी लपेटे एशिया तक भी आ सकती है। इस पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तो अपनी ड्राइवर से दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत को विशेष चिंता वाले देश में नामित करने की सिफारिश, आखिर अमेरिकी आयोग ने क्या क्या आरोप लगाए भारत पर, बता दें अमेरिका की सरकारी एजेंसी ने एक बार फिर भारत को लेकर ईर्ष्यापूर्ण रवैया दिखाया है। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाला देश बताया है। इसी के साथ उसने बाइडेन प्रशासन से भारत के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रहरी अमेरिकी आयोग ने जो बाइडेन प्रशासन से अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित करने के लिए कहा है। स्वतंत्र संघीय सरकारी आयोग अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि USCIRF ने कहा कि अपनी नई रिपोर्ट में विदेश में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को चुप कराने के भारत सरकार के हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एक बयान में कहा गया कि USCIRF ने भारत के व्यवस्थित चल रहे और धार्मिक या विश्वास की स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के कारण भारत को विशेष चिंता का देश नामित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग से आग्रह किया है। USCIRF के आयुक्त स्टीफन शेंक ने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता और संयुक्त राज्य अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश को बेहद परेशान करने वाला बताया है दोस्तों, और इसीलिए भारत के खिलाफ ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को विशेष चिंता वाले देश में नामित करने की सिफारिश लगा रहे हैं अमेरिकी आयोग। जी हां, ऐसे में दोस्तों आपकी क्या जवाब होगी, इस आयोग को बताइएगा जरूर, जो भारत को ही विशेष चिंता वाला देश बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारत इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा देश है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा और आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है, चिंता की तो कोई बात ही नहीं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत में घुसपैठ की तैयारी में करीब 300 आतंकवादी। जी हां, POK से भारत में घुसपैठ की है तैयारी, अलर्ट पर सेना और BSF, बता दे लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी ओर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में आतंकवादी गतिविधियां तेज हैं। POK कश्मीर में स्थित लॉन्च पैड पर लगभग 250 से 300 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। शनिवार को सीमा सुरक्षा बल के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल सतर्क है और सीमा पार से किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। BSF के महानिरीक्षक अशोक यादव ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुफिया जानकारी मिली है कि 250 से 300 आतंकवादी लॉन्च पैड पर घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम और सेना सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और हम पूरी तरह सतर्क हैं। उन्होंने आगे कहा कि BSF और सेना के बहादुर जवान सीमावर्ती इलाकों में सतर्क हैं और घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम कर देंगे। यादव ने कहा कि हम घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने को लेकर आश्वस्त। ऐसे में ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा अपने भारतीय BSF अधिकारियों को। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां कुवैत के शासक के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख, राजकीय शोक की घोषणा, आधा झुका रहेगा तिरंगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुवैत के शासक अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह के निधन पर शनिवार बोले तो 16 दिसंबर को शोक जताया। PM मोदी ने कहा कि शेख नवाफ के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में
जानकर गहरा दुख हुआ। हम शाही परिवार और कुवैत के लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही सरकार ने रविवार को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि अमीर शेख के सम्मान में भारत सरकार ने फैसला किया है कि 17 दिसंबर को एक दिन का शोक होगा। पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। इस दौरान मनोरंजन का कोई काम नहीं होगा। बता दें कि कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। कुवैत के सरकारी टेलीविजन ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने हाल ही में सांस में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया था। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर लाहौर से नवाज शरीफ का परिवार लड़ेगा चुनाव। इमरान खान की राजनीति खत्म, पाकिस्तान में चुनावी सरगर्मियां तेज। जी हां, द न्यूज ने शनिवार को बताया है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी ECP द्वारा आम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से संभावना जताई गई है कि आगामी चुनावों के लिए अगले हफ्ते तक अपने सभी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले संसदीय और चारों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा नहीं की है। नवाज शरीफ की पार्टी के सूत्रों के मुताबिक PMLN के उम्मीदवारों को चुनने के लिए 70% से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों पर अपना काम पूरा कर लिया है। इसके लिए टिकट धारकों के पहले बैच की सूची आज सार्वजनिक की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ भारतीय पर्यटकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, केन्या में अब वीजा फ्री एंट्री। मासाई मारा नेशनल रिजर्व का लुफ्त उठाना हुआ आसान। जी हाँ, भारतीय पर्यटकों के लिए इन दिनों दुनिया भर के कई देशों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और इस लिस्ट में केन्या भी एक नया नाम जुड़ गया है। केन्या में इस सप्ताह भारतीय समय दुनिया भर के पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में भारतीय और विदेशी टूरिस्ट बिना वीजा के केन्या के मासाई मारा नेशनल पार्क का दीदार कर सकते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 12 दिसंबर को यह घोषणा करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने का है। ऐसे में केन्या सरकार ने दुनिया भर के विजिटर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पर्यटकों को जनवरी 2024 से केन्या जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। अगली खबर बात करें ऐसे ही जुड़ी, जहां इस्लामिक देश ईरान ने दिया भारतीयों को फ्री वीजा तो पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा ये हजम। आखिर कैसे भड़के पाकिस्तानी, बता दें दुनिया भर के देश भारतीय यात्रियों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। फिलहाल ईरान ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सहित 33 देशों के लिए टूरिज्म वीजा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब ईरान की यात्रा के लिए भी भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले भी मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम ने भारत के आगंतुकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ कर दिया है। दोस्तों इस बात से कुछ पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, उन्हें आग लग गई है, उनको जलन की भावना नजर आई है। उन्हें ये बात रास नहीं आ रही है कि कई देश भारत के लिए वीजा फ्री कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को कोई भाव भी नहीं दे रहा। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के लोग ईरान पर भड़के हुए हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद से बात करते हुए एक पाकिस्तानी शख्स कहता है कि हमें अपनी देश की इमेज को सुधारने की आवश्यकता है, हमारे ऊपर लगा टेररिस्ट का टैग हटने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों को सम्मान नहीं मिल रहा है। एक युवक ईरान के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहता है कि ईरान एक मुस्लिम देश होने के बाद भी भारत जैसे नॉन मुस्लिम देश के हित में फैसले कर रहा है लेकिन पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश को दरकिनार कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी युवक आगे इस बात को भी स्वीकार करता है कि भारत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, ऐसे में ईरान ने यह फैसला लिया होगा। साथ ही एक पाकिस्तानी युवक कहता है कि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, इसके बावजूद वो दुश्मन देश के लिए वीजा फ्री दे रहा है, ये हैरानी की बात है। वहीं एक पाकिस्तानी युवक कहता है कि इंडिया ने अपना नाम बनाया है, आज के समय में भारत खुद को एक ब्रांड बना चुका है लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम यहाँ लोग दाने दाने को मोहताज है, हमने अपनी छवि को खुद खराब किया है जिस वजह से हमारे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। अब ऐसे में दोस्तों कुछ पाकिस्तानियों को तो वाकई में सच्चाई पता है कि पाकिस्तान की आज क्या स्थिति है, और वहीं कुछ पाकिस्तानी आज भी ख्वाबों में जी रहे हैं। अगली खबर की बात करें, जहां अरब सागर में अगवा हुआ मालवाहक जहाज भारतीय नौसेना ने कराया आजाद। जी हां, अरब सागर में एक मालवाहक जहाज MV रुवेन को भारतीय नौसेना ने समुद्री पायरेट्स बोले तो डकैत के चंगुल से आजाद करा लिया है। अब नौसेना का एक विमान जहाज के ऊपर से लगातार उसकी गतिविधि पर नजर रख रहा है। जहाज सोमालिया के तट की ओर बढ़ रहा है। बढ़ती स्थिति पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा है कि भारतीय नौसेना ने अपने नौसैनिक समुद्री गश्ती विमानों को क्षेत्र में निगरानी करने और एंटी पायरेसी पर अपने युद्ध पोत को डाइवर्ट कर दिया। साथ ही अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्ती पर उसके युद्ध पोत को जहाज पता लगाने के लिए तैनात किया गया।
गया। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहाँ दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल के साथ आखिर क्या कर रहा है रशिया, रात के अंधेरे में निकाली परेड। जी हाँ, रशिया ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस डे के एक दिन पहले दुनिया को अपने परमाणु मिसाइलों की ताकत दिखाई है। इस दौरान रूसी सेना ने यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को रात के अंधेरे में तैनात कर अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। यार्स मिसाइल सिस्टम के चालक दल रात के घने अंधेरे में तेकोवो मिसाइल फॉर्मेशन में 100 किलोमीटर दूर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपनी मिसाइल को फायरिंग पोजीशन में सेट किया और कमांड के आदेश पर वापस अपने बेस पर लौट गए। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप, आखिर व्लादिमीर पुतिन किसे देखना चाहते हैं अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, बताई अपनी पसंद। आपको बता दें, आपके साथ हम शेयर करते हैं ये बात, अगले साल 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस पद की दावेदारी के लिए अमेरिका में कई नाम रेस में है, मगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस तरह के राष्ट्रपति को अमेरिका की सत्ता संभालते हुए देखना चाहते हैं। बता दें, क्रेमलिन ने अपने एक बयान में बताया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति को पसंद करेंगे जो दोनों देशों के बीच बातचीत के महत्व को समझता हो। पुतिन ने खुले तौर पर किसी नाम का जिक्र नहीं किया, मगर उनके इस बयान से एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या पुतिन अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करना पसंद करेंगे, इस सवाल क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ब्रॉडकास्टर एनबीसी न्यूज को बताया कि रूसी नेता किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वैसे दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप किसको बनना चाहिए अगला राष्ट्रपति, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? भारी मात्रा में नाम लिखकर बताइएगा, बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं सबसे ज्यादा जनता किसको राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहती है। अमेरिका का एक और खबर की बात करें, जहां कंगाल पाकिस्तान पर यूएई को आया तरस, फ्री में कराई कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन पॉल्यूशन से दिलाई पड़ोसी को निजात। बता दे, कंगाल होने की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अब प्रदूषण की भी मार झेल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान में पहली बार कृत्रिम बारिश कराई गई। धुंध और प्रदूषण से बचने के लिए लाहौर के 10 इलाकों में शनिवार को कृत्रिम बारिश कराई गई। इसके लिए पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात की मदद यानी यूएई की हेल्प ली। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो यूएई ने इस मदद के लिए पाकिस्तान से एक भी पैसा नहीं लिया। बीते दिन ऐसी खबरें थी कि पाकिस्तान कृत्रिम बारिश कराने के लिए चीन की मदद ले सकता है, इसके लिए 35 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, मगर यूएई ने पाकिस्तान की तंगहाली पर तरस खाते हुए कृत्रिम बारिश कराने के लिए एक पैसा भी नहीं लिया। अगली खबर की बात करें, जहां T20 वर्ल्ड कप का जिक्र कर कैसे ओमान के साथ जोड़ लिया रिश्ता पीएम मोदी की मास्टर डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिश्ते बनाने का माहिर माना जाता है, उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अलग ऊंचाई पर पहुंची है। संबंध जोड़ने की उनकी उस्तादी की वानगी शनिवार को एक बार फिर देखने को मिली। T20 क्रिकेट विश्व कप का जिक्र कर उन्होंने ओमान के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी की दिशा में कदम बढ़ाया है। पिछले महीने ओमान ने 2024 में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। पीएम मोदी ने इसकी चर्चा उठाकर सुल्तान के सामने इसको लेकर ओमान को बधाई दी। अगली खबर की बात करें, जहां क्या व्लादिमीर पुतिन के चलते गायब हुए हैं चीन के विदेश मंत्री, मौत की है भारी चर्चा। दरअसल चीन में विदेश मंत्री किन गैंग के गायब होने की चर्चा हुई और जिसके बाद उन्हें विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया। इसके बाद भी किन गैंग के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। घटना के 5 महीने के बाद निकी एशिया ने एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि चीन के विदेश मंत्री को गायब करवाने और पद से हटाने में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किन गैंग चीन की विदेश नीति को रशिया के विरोध और यूक्रेन के समर्थन में ले जाने के प्रयास में थे, जो बात व्लादिमीर पुतिन को अच्छी नहीं लगी। अगली खबर की बात करें, जहां क्या खालिस्तान का समर्थन करती है अमेरिकी सरकार, अमेरिकी सिख नेता ने कर दिया इसका बड़ा खुलासा। बता दे, एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी सिख नेता ने कहा है कि अमेरिका में खालिस्तानी गतिविधियों को का ना तो सरकार और ना ही समुदाय के लोग समर्थन करते हैं। सिख ऑफ अमेरिका संगठन के जस्सी सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार से युवाओं के बीच ड्रग्स की बढ़ती समस्या सहित पंजाब की कई प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए एक पैकेज देने की अपील भी की है। सिंह ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी सरकार ने सिख समुदाय के लिए जो काम किए हैं वे पिछली सरकारों की तुलना में अभूतपूर्व है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, आतंकियों को फलने फूलने में कुछ देश कर रहे हैं मदद। भारतीय प्रतिनिधि ने बिना नाम लिए सादा पाकिस्तान चीन पर निशाना। बता दें, सीमा पार आतंकवाद और हिंसा के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है, ये बात संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने की है। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। उन्होंने साथ ही कहा कि कुछ ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया जो आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा
सभा में भी कहा कि सीमा पार आतंकवाद की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, सीमाओं के पार तस्करी किए गए अवैध हथियारों का उपयोग करके आतंकवादी समूहों द्वारा देश में आतंक फैलाया जा रहा है, इसमें अब ड्रोन भी शामिल है। अगली खबर की बात करें, जहां 3 साल बाद इस देश से तेल खरीदने की तैयारी में अपना भारत, हरदीप सिंह पुरी का बहुत बड़ा ऐलान। बता दे, रशिया से सस्ता तेल खरीद भारत अब वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा क्योंकि भारतीय कंपनियां इसे रिफाइन करने में सक्षम है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत लगभग 3 साल बाद वेनेजुएला से तेल खरीद शुरू कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 भारतीय तेल रिफाइन कंपनियों ने वेनेजुएला से तेल खरीदा है। ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां क्या कोरोना फिर बढ़ाने वाला है टेंशन, JN.1 वेरिएंट का खतरा बढ़ा, डरना चाहिए कि नहीं। बता दें, कोरोना को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर आ चुकी है। वर्तमान में COVID-19 के सब वेरिएंट JN.1 के कई मामले सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि केरल में भी 8 दिसंबर को इसका एक मामला सामने आया है। JN.1 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले सिंगापुर में सामने आए हैं, इसीलिए प्रशासन ने हर स्तर पर जांच बढ़ा दी है। केरल में कोरोना के लक्षण सामने आने पर लोगों को टेस्ट कराने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सिंगापुर में लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की जा चुकी है और कोविड को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय का युग अंत, दिग्गी राजा के दुश्मन नंबर 1 को प्रमोशन देकर राहुल गांधी ने दिया सबसे बड़ा संदेश। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को MP कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने उमंग सिंघार को भी MP का नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। उमंग सिंघार और जीतू पटवारी किसी भी खेमे के नेता नहीं है। ऐसे में आला कमान ने बड़ा संदेश दिया है कि अब MP की सियासत में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मनमर्जी नहीं चलेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए MP में 3 बड़े वर्गों को साधने की कोशिश की है। जीतू पटवारी को OBC वर्ग से आते हैं, वो खाती समाज से हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आदिवासी समुदाय से आते हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के दुश्मन नंबर 1 है उमंग सिंघार। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही उठता है कि क्या दिग्गजों से अब किनारा कर रही है कांग्रेस की सरकार? आपको क्या लगता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां लोकसभा में स्मोक कैन घटना के बाद सुरक्षा चिंताओं के बीच ओम बिरला ने लिखा सांसदों का लेटर। बता दें, लोकसभा में हुई स्मोक कैन घटना में और सांसदों के निलंबन के बाद संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष के संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार पर उठाए जा रहे सवाल और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी लोकसभा सांसदों को पत्र लिखकर स्मोक कैन घटना के बाद सदन की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी देने के साथ सुरक्षा पर सबकी चिंताओं को स्वीकार करते हुए सबसे सहयोग की अपील की है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस घटना की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, जांच रिपोर्ट सदन के सामने जल्द पेश की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के पक्ष में उतरे अखिलेश यादव, कहा गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वे सदन में कूदे थे। कांग्रेस पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी इस घटना को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो लोग सदन में कूद गए। उन्होंने कहा कि सदन में जो नौजवान कूदे हैं ये सुरक्षा में बड़ी चूक है, वो नौजवान मौजूदा सरकार से बहुत त्रस्त थे। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि रोजगार नहीं मिलने से नौजवान दुखी थे, इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए लोकसभा में कूद गए। साथ अगली खबर आपको बता दे, जहां राम भक्तों को रेलवे का सबसे बड़ा तोहफा, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 19 जनवरी से चलेंगी 1000 से ज्यादा ट्रेनें। जी हां, अयोध्या में भगवान राम जी का दिव्य मंदिर भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर लगभग तैयार हो गया है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहीं भारतीय रेलवे ने इसके लिए खास तैयारी कर दी है। नवनिर्मित राम मंदिर उद्घाटन के पहले 100 दिनों के दौरान राम भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में अयोध्या के लिए 1000 से ज्यादा ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों का संचालन 19 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है। बाकी सारी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अभी रेलवे की यह सुविधा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों, और सामने लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बहरहाल ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।